नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि तो आप लोगों ने समय समय पर मेरा बहुत साथ दिया। और स्पेशल थैंक्स आज मैं देना चाहता हूँ विभूति जी को, विभूति मिश्रा ऋषिकेश से, जिन्होंने मुझे ये नए कपड़े भेंट किए। और जैसा कि आप लोग हमेशा कह रहे थे कमेंट में, कुछ लोग मजाक से कह रहे थे कि सर आपके पास और कपड़े नहीं है क्या, हमेशा एक ही कपड़ा पहनते हो। तो हाँ, ऐसा है कपड़े थोड़े कम है मेरे पास, क्योंकि कई सालों से मैंने कपड़े नहीं खरीदे हैं। है कुछ रीज़न, है कुछ गुरुओं का है, तो जो भी दिया गया रहता है वही कपड़े पहन लेता हूँ। आज वीडियो में एक नया कपड़ा पहना हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है तो आगे ये शर्ट पहनते रहूँगा। और आप में से जिन्होंने भी मुझे जो भेंट भेजे हैं, उन्हें भी मैं समय समय पर ऐसे ही धारण करता रहूँगा। मेरे दूसरे चैनल हैप्पी वाला हीलर में अच्छे कपड़े भी पहनता हूँ भाई मैं मॉडर्न कपड़े पहनने आते हैं मुझे, है ना। तो अगर जो लोग मुझे उस तरह के कपड़े भेजें तो उसे भी समय समय पर मैं पहनूंगा। मुझे पानी चाहिए बेटा, पानी ला के दे दो प्लीज़। आज हम नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में बात करेंगे, नेगेटिविटी। घर में, आपके शरीर में, आपके खुद में, आपके आभामंडल में, आपकी फैक्ट्री में, आपके कार्यस्थल पर किसी कारणों से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। कारण कई हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों से बहुत सारी चीज़ों को या अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके अंदर से निकलने वाली जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव हो सकती है। वो नेगेटिविटी घर के कॉर्नर्स में जाके अटक जाती है, खासकर तब जब सनलाइट नहीं पड़ता उस जगहों पे, या मंत्र जाप या पूजन हवन समय समय पर नहीं होता, वैसी जगहों पे नकारात्मक ऊर्जा ठहर जाती है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं रह जाती है। थोड़ा 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 करके वो इकट्ठा हो जाता है, और जब वो इकट्ठा हो जाता है तो वो हमें प्रॉब्लम देना शुरू करता है। उसके संपर्क में आकर हम डाउन फील करने लगते हैं, लो फील करने लगते हैं, हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है। काम धाम में उसका इफेक्ट दिख जाता है, शरीर में इफेक्ट दिख जाता है, बेवजह सर दर्द, बुखार या फिर आलस, एक भारीपन सा महसूस हो जाता है। आप जो लोग हीलर हैं, जो लोग हीलिंग साइंस या ऑकल्ट साइंस पे काम कर रहे हैं, जो लोग अपने खुद के एनर्जी पे, आभामंडल पे, चक्रों पर, ध्यान साधना समाधि इन सब पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छे से समझ में आता है। वो जाते ही ऐसे पकड़ लेते हैं, यहाँ बड़ा भारीपन सा है। तो पर्सनल लेवल पर आपको नेगेटिविटी से बचे रहने के लिए, जैसे नज़रों से बचे रहने के लिए, बहुत सारे ब्रेसलेट्स, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जिसे आपको अपने हाथों में धारण करना चाहिए, जैसे कि ईविल आई प्रोटेक्शन, जो कि हेमेटाइट और ईविल आई से मिलकर बना होता है, काले धागे के साथ। तो रेगुलर लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो प्रोटेक्शन के लिए ये काले धागे के साथ सबसे बेस्ट, जिसे मैं मानता हूँ, हेमेटाइट काले धागे के साथ, ईविल आई और काले धागे के साथ पहने, उसमें हमसा सिंबल भी रहता है तो दिखने में भी सुंदर दिखता है, ये पहना जाए। और भी कई सारे ब्रेसलेट हो सकते हैं, जैसे कि सुलेमानी हकीक से बना हुआ ब्रेसलेट, ये उस कंडीशन में बेटा जब ब्लैक मैजिक से इफेक्ट होते हैं बहुत, ये सारे ब्रेसलेट क्लीन होने के बाद पहना जाए। क्लीन कैसे करना है वो भी आज मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। घर को, शरीर को, फैक्ट्री को, जो भी जगह नेगेटिविटी आई है, तो ब्लैक मैजिक के लिए आपका सुलेमानी हकीक ये धारण किया जाए,
जिसको भी तकलीफें हैं, है ना। और छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों को तो बचपन से ही पहना दो, चाहे हाथ पे पहना दो चाहे पैर में पहना दो। छोटे बच्चों का ये बहुत मुझे पसंद है, ये मैं हर छोटे बच्चे को पहनाने के लिए रिकमेंड करूँगा। इसमें एक प्यारा सा स्माइली भी बना हुआ है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट ये बहुत छोटे बच्चों को, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि भेंट में दो। अगर आप किसी के घर आप छोटे बच्चे के फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं तो ज़रूर कोई बड़ी चीज़ ना देखे, कोई खिलौना वलौना ना देखे, कपड़े वपड़े सभी देते हैं, आप ऐसी चीज़ों को भेंट करते हो, उनके काम है, उनके घर वालों के काम है। और अगर हम देखते हैं ब्रेसलेट्स में, तो ब्लैक ऑब्सीडियन, टाइगर आई और हेमेटाइट से मिला करके बना हुआ ये ट्रिपल प्रोटेक्शन आई। बेटा ये जो है, जिन लोगों को, जिनका एकदम, जो ऐसे होते हैं जिनको मालूम है कि उनको हमेशा नज़र लगते रहती है, हमेशा। कुछ लोग होते हैं जिनका गर्मी के अकाउंट कुछ ऐसा होता है, या थोड़े से वल्नरेबल होते हैं ना, शरीर से ऐसे ताकतवर दिखेंगे लेकिन नज़र बात बात पे लग जाती है, क्योंकि उनके जीवन ही को इतना खुशहाल होता है कहीं ना कहीं। उनका काम अच्छा चल रहा होता है, उनका शरीर अच्छा होता है, उनका रूप रंग अच्छा होता है, तो नज़र लगते रहती है। तो ट्रिपल प्रोटेक्शन वाला ये ब्रेसलेट उनके लिए बहुत अच्छा है ना। और इसके बाद जो मैं पसंद करता हूँ वो है हमसा सिंबल के साथ ब्लैक टर्मोलिन और सेलेनाइट। ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जिसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर ब्रेसलेट की अपनी क्षमताएं हैं, आप अपने पसंद से ले। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने हीलर से बात करके, या हमारे यहाँ हमारी जो टीम है उनसे संपर्क करके, आपको कौन सा पहनना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक और मूलांक को ध्यान में रखते हुए जो ब्रेसलेट सबसे अच्छा होगा वो पहन सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो ब्रेसलेट है बेटा, जो आखिरी मैंने बताया सेलेनाइट वाला, इसे चार्ज करना नहीं पड़ता। ये एक लौता ऐसा ब्रेसलेट है जिसे चार्ज नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें सेलेनाइट है। सेलेनाइट के जो प्लेट्स होते हैं वो हर ब्रेसलेट को, हर क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए हम उपयोग करते हैं। बाकी क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स को चार्ज करने के लिए सेलेनाइट के छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्लेट्स आते हैं। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है सेलेनाइट में वो लगता है मंडाला, फ्लावर ऑफ लाइफ भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है ना, वो एनर्जी को अपने एजेस में सेव करके रखता है। तो सेलेनाइट के प्लेट्स के ऊपर हम अपने ब्रेसलेट्स को रख के इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। दिन भर पहना, रात को उतार के चार्ज में रख दिया। या फिर अगर सेलेनाइट का प्लेट नहीं है तो चार्ज करने के लिए न्यू मून, फुल मून में रात को रात भर रख लिया जाए, ब्रेसलेट चार्ज हो जाता है अगले 14-15 दिनों के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को का घर ऐसे सिचुएशंस में है कि वो रख नहीं सकते, या रात को रख दिया छत में तो कहीं घूम गया, कोई कभी कभी बिल्ली उल्ली उठा के गिरा गिरा देती है। तो सेलेनाइट प्लेट ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, जितने में आपका चार्ज हो सके उतना बड़ा सेलेनाइट प्लेट लीजिए और उसमें चार्ज कर लीजिए। और यदि सेलेनाइट से भी थोड़ा आगे अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो ऑर्थोसीरस प्लेट, इसका डिज़ाइन भी शेल टाइप का रहता है, यहाँ से पकड़ते बन जाता है, मुझे बड़ा पसंद है ये। चाय के ससर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है छूने में। इसमें हम अपने ब्रेसलेट्स को रख दें, चाबी, तिजोरी की चाबी हो गई या घर का चाबी हो गया, जिसे भी हम शक्ति से भरना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन चिट हो गए आपके, जिसमें आप कोई चीज़ को लिख कर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे पढ़ा लिखा, एनर्जी दिया, रख दिया। आपके और कोई गहने हो गए जो रात को आप उतार, जैसे रिंग्स हो गए, जैसे कान में ये मैंने कुंडल पहना हुआ, कुछ लोग उतारते हैं, तो उतार के इसके ऊपर रख दें, ताकि ये जो प्लेट है ऑर्थोसिरस, हाँ ऑर्थो सुनने में ही, जैसे ऑर्थो हड्डी, मेडिकल अगर लोग जानते हैं मेडिकल टर्म्स में ऑर्थो शब्द हड्डी रोग या हड्डी के लिए कहा जाता है, तो ऑर्थोसिरस यह तकरीबन इसका मॉलिक्यूल हड्डी जैसा ही होता है। तो इसको डिज़ाइन भी उसका वैसा ही है। इसके बारे में बेटा और थोड़ा अगर जाने, ये फॉसिल ही है एक तरह का, है ना, फॉसिल समुद्री जीव के का शेल है ये। पुराने ज़माने में लोग अपनी आयु को बढ़ाने के लिए इसको ऐसे माला की तरह धारण करते थे, लंबी आयु के लिए। तो किसी भी चीज़ की आयु को बढ़ाने के लिए, मतलब कि शक्ति को, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, इस फॉसिल को, जिसे हम ऑर्थोसीरस कहते हैं,
इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप सिर्फ सेलेनाइड नहीं, थोड़ा सा मल्टीटास्किंग अगर चाहेंगे तो ऑर्थो सीरस पे जाइए, ये बहुत अच्छा काम करता है। जो भी चीज़, जैसा भी क्रिस्टल हो आपका, कैसा कोई ऐसा क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल आप यूज़ करते हैं ध्यान वगैरह के लिए, आप उसको इसमें रखें और इसका उपयोग करें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किन किन क्रिस्टल और ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके हम अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से बचा के रखते हैं, नज़रों से बचा कर रखते हैं, तो बेटा जो आप लोग ध्यान धारणा पूजा मंत्र जाप वगैरह नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। जो लोग करते भी हैं और हीलिंग साइंस में दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी ये सब चीज़ धारण करना चाहिए। हम हीलर्स धारण करते ही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरे की मदद करने के समय कुछ ना कुछ अपने ऊपर ले बैठते हैं, ले लेते हैं, है ना। तो आज हमने क्या सीखा कि कैसे हम ब्रेसलेट्स को धारण करके अपने आप को बचाते हैं और कैसे अपने ब्रेसलेट्स को चार्ज करते हैं। इसके बाद बेटा अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम ये ब्रेसलेट्स को धारण करने से पहले अगर किसी खुद के लिए या किसी और के लाइफ में कोई भी ऐसा ब्लैक मैजिक हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा आ गई है और एकदम लो हो गया है, कैसे हम अपने कार्यस्थल को बचाते हैं, कैसे हम वाइट सैगा का प्रयोग करके हम चीज़ों को क्लीन करते हैं, ये सारी चीज़ों को भी हम सीखेंगे अगले वीडियो में। और बस